डिस्कस टुडेज जो क्वेश्चन जो दिया था डिफरेंट वेबसाइट से स्पेशली फॉर इनसाइड फ्रॉम इनसाइड एंड ओनली आईएएस, तो वहाँ से मैंने लिया हूँ। ठीक है, तो उनका जो क्वेश्चन है डेली आते हैं, तो डिस्कस करते हैं डेली। ठीक है, वो देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैसे लिख रहा है। ठीक है, तो जब राइटिंग इसे राइटिंग लिखेंगे तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आज दिया था, वासेनर एग्रीमेंट अटेंडेंट इंडिया एज द 42nd मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द वासेनर अरेंजमेंट, व्हाट बेनिफिट्स इंडिया में गेट फ्रॉम मेंबरशिप, और वासेनर एग्रीमेंट से क्या बेनिफिट मिल सकता है। यंग पीपल विद इथिकल प्रोडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स। ओके, यंग पीपल एंड इथिकल कंडक्ट नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं करते, सजेस्ट द स्टेप्स टू मोटिवेट देम। है द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, क्या फॉर्मेशन है, हो सकते लिंग्विस्टिक स्टेट्स का स्ट्रेंथ करें। द कॉजेज ऑफ इंडियन यूनिटी, है द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स स्ट्रेंथ करें। द कॉजेज ऑफ इंडियन यूनिटी, पहले जो आंसर लिखा है वासेनर एग्रीमेंट के ऊपर, लेकिन लिखा है एक स्टूडेंट ने, तो देख लेते हैं। इट इज एन एलाइट क्लब, एलाइट क्लब ऑफ कंट्रीज फाउंडेड इन 1996। इसके बाद जो लिखा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इंक्लूडिंग और क्या लिखा है मैं यहाँ नहीं समझ पा रहा। आर्म्स रिसेंट कंट्रोल सिमिलर टू यहाँ पर नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ द इंडिया ज्वाइनिंग, यहाँ पर लिखा है विल फैसिलिटेट हाई टेक्नोलॉजी एक्सेस, इट विल बूस्ट इंडियाज चांस टू जॉइनिंग न्यूक्लियर मिसाइल ग्रुप, एक्सपर्ट्स इंडिया। एक्सपर्ट्स इंडिया, इट विल बी पुट इंडिया विथ, ओके, यहाँ पर लिखा है प्लेटफॉर्म हाई टेक्नोलॉजी, इट विल इंक्रीज इंडिया बोथ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बारे में लिखा है। सेकेंड क्वेश्चन के लिखा है यंग पीपल एथिकल, यहाँ पर लिखा पॉलिटिक्स द मैथोलॉजी, ओके, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, तो सम ऑफ द स्टेप्स मोटिवेट देम कम फॉरवर्ड्स, इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इंक्रीज द इंटरनल डेमोक्रेसी अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, ओके, स्ट्रिक्ट रूल फॉर द पेंडिज मनी, इंडिपेंडेंट मनी एंड प्रॉपर इंसेंटिव्स, समझ पा रहा हूँ, प्रॉपर रिकर्स मैकेनिज्म, ओके, प्रॉपर इवोल्यूशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियन, प्रॉपर रूल ऑफ कंडक्ट पॉलिटिशियन, इम्पार्टमेंट ऑफ द, यहाँ पर लिखा है मॉरल कंडक्ट आइडिया, इसके बारे में लिखा है। थर्ड में लिखा है लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में, यहाँ पर लिखा है स्ट्रेंथन कैसे करें लिंग्विस्टिक्स, ओके, लिंग्विस्टिक डिविजन ऑफ स्टेट्स टेक प्लेस फ्रॉम बर्थ, यहाँ पर लिखा है फ्रीडम ऑफ प्रेफर चॉइस लिंग्विस्टिक बेसिस, इसके बारे में लिखा है।
नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर आप देख सकते हैं प्रॉपर प्रमोट लोकल आइडेंटिटी यहाँ पर लिखा था, ऑल्सो प्रमोट लोकल आइडेंटिटी एंड, अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ, वॉशिंग एग्रीमेंट के बारे में और एक ने लिखा, एक फॉर्मल ग्रुप ऑफ मेजर कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना टू कंट्रोल ऑन द कन्वेंशनल वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट 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 एक्सपोर्टिंग थ्रेड कैन बी ट्रेल यूज्ड, इट क्रिएट्स ट्रांसपेरेंसी इन टू सच सप्लाइज, इंटरनेशनल सिक्योरिटी अमंग कंट्रीज, इट इज मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट रेजिम एंड जी टू कंट्रीज इंडिया रिसेंटली बिकम पार्ट ऑफ द रेजिम, वॉशिंगटन एग्रीमेंट ये पास्ट कोल्ड ईयर है इन 1996 टू क्रिएट हार्मोनी एंड पीस अमंग द कंट्रीज, इंडिया बिकम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बेनिफिशियल, ओके इट शोज इंडियाज सॉफ्ट पावर अमंग नेशन, इट इंक्रीजेस इंडियाज इंटेंशन टू बिकेम हाउ ए पार्ट ऑफ एनएसजी काउंसिल काउंसिल एनएसजी मेंबरशिप, ओके न्यू वेज टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके इमर्ज ड्यू टू सम टू मूव ट्रेड विथ फॉरेन नेशंस सच गुड एंड टेक्नोलॉजी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग न्यू प्लेटफॉर्म टू कार्ट द एनर्जी क्राइसिस, एड फ्रॉम फॉरेन क्रिएट्स न्यू अनसस्टेनेबल जॉब्स इज अल्टरनेटिव, ओके न्यू टेक्नोलॉजी इमर्जिंग इज एम्प्लॉइंग मिलियंस ऑफ पीपल्स, प्रमोट गव्ड स्कीम लाइक स्किल इंडिया, न्यू प्लेटफॉर्म दैट इमर्जिंग इन इंडिया आर प्रमोटिंग गव्ड स्कीम्स लाइक मेक इन इंडिया, इफेक्टिंग इन वर्क नीड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेक इन मेक इंडिया मेक्स इंडिया एक्सपोर्ट्स इंक्रीजिंग, और एक ने लिखा है नहीं देख पा रहा हूँ, ओके अगर देख सकते हैं आप, ठीक है यहाँ पर मोटिवेशन ऑफ पॉलिटिक्स यहाँ पर लिखा है, टेक सम टू मोटिवेट, ओके बेनिफिट बिलीव योर सेल्फ राइट टू मेक अंडर आर्टिकल 19 यहाँ पर लिखा है, कंक्लूजन में लिखा है कुछ, और एक ने लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है तो आप देख सकते हैं 1956 डिमांड्स फ्रॉम तमिल नाडु के एस्टेब्लिश ऑन एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, रिमूविंग द यूसेज हिंदी एज द लैंग्वेज इन द स्टेट्स वाज अनदर इंस्टेंस इन सच राइट्स, After the creation of Telangana out of Andhra Pradesh, both states have they existed quite peacefully alongside. इसके बारे में देख सकते हैं ये ज़्यादा एक्सट्रूड द एक्सट्रूड फ्यू कंसर्न्स अबाउट सेइंग द रिवर वाटर्स पीपल ऑफ कर्नाटका हैव एक्चुअली शोन विलिंगली टू लर्न द कॉमन हिंदी लैंग्वेज प्रिवेंट इन दिल्ली व्हाई दे माइट माइग्रेट देयर, ओके द फर्स्ट स्टेट्स फॉर्मुलेशन ऑफ लिंग्विस्टिक टर्म्स एंड इन इंडियन हिस्ट्री मे हैव शोन फ्यू जियोटिक इंसिडेंट्स बट इट हैज एक्चुअली स्ट्रेंथन द
nation and people together. Okay. देखिए एक बार उस बारे में लिखा जो है इसके बारे में देख लेते हैं. यंग पीपल आर डिफिकल्ट टू कनेक्ट आर नॉट विलिंग टू कम. इसके बारे में लिखा है टू कम टू जॉइन एक्टिव पॉलिटिक्स. ओके यहाँ पर उन्होंने लिखा है ठीक है. एंड 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज अबाउट 30 इयर्स. Percent of the India's population was over 30 years and younger, however, only 35 out of 543. Younger, however, only 35 out of 543 Lok Sabha members. And under 35, there is a huge need of young leaders for more efficient work. Why not willing to come under come forward? Politics now become more a game of money and muscles power, which own people don't have responsibility to their family, more motivated towards job mindset. Why not come willing to forward? Okay. Why not willing to come for mindset of early childhood that politics is bad for bad peoples. Example, almost every Indian's movies is showing politics in bad or bad corrupt. Step to motivate them. A promotion of election in universities and other colleges like engineering, medical also with some responsibility on them and rate them accordingly. Add some stories in young and aspiring leaders. The Lal Bahadur Shastri ji, Patel ji, in school college courses, so that their mind makeup can change. More youth parties like Major Political Party, Indian Youth Congress. As we are facing huge corruption and laziness in politics, so we need to the young potential and politics in huge number for the 50% of the young in India. Nation has the formation of the linguistic state strength, the cause of Indian unity and our independence. After independence, Dhar and JVP Commission. Okay. Dhar and JVP Commission rejected the recognition of states on linguistic basis. Okay, but it was Fazal Ali Commission who recommended formation of the states on the basis of linguistic, but rejected. Okay. But rejected the formation of one language, one state formula. Okay. How it strength the Indian Union? We help replace the caste and religious bias, identity, develop and adoption of Brahmic language elements. India had indirectly strength the federal fabric of the nation and forestalled escalation of religion and grievance into violent forms. How it deleted Indian unity? The recommendation of the commission were not accepted universally. Example, Marathi speaking people wanted to a separate state. At present, Hindi has been recognized at the national language. This is given rise to a lot of hostilities, okay, particularly in the southern and in northeastern part. It increases extreme sense of regionalism, okay,
resulted in that Pharaoh Pharaoh's geologism and ethno centralism. Okay, it may have we have many differences regarding languages, but we are always stand with other forming. Okay, in India against my external obstacle. Okay, young people's ethical conduct willing to come forward, no, to join politics. Okay, the gradual increase of the standard of education is making the young people able to think their own conscience, and their ethical behavior gives a mindset the total taste of politics is better. Why they don't want to join politics? Active politics education makes them able to join other party or other occupation. Nowadays, politics is considered as a vote bank politics only. The core value of the politics are being neglected. The social media, fake news, literature, the very concept of politics, criminalization of politics, has created a negative impact on mindset. Young people. Okay, steps to motivate young people to come forward with the help of media and social media spread the importance of peer politics as well as its need. Okay, regular visits of young people in parliament will create their interest to join politics. Promotion of college, universities level politics, community politics. Civil criminal and politics will create a good environment, and it will lead to more participation of young people in rural areas. Districts level authorities can provide the basic training. School teachers can be trained to provide basic understanding of the politics. By creating such environment at school level, the taste of politics will remain better until individual will not understand its functioning property. So the ground level strength information is needed at the time. ठीक है, तो तुम देख सकते हैं आज का जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है. ओके, थैंक यू.